जी, और अब चलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की जाने, क्योंकि जिस वक्त हम ब्रेक से पहले गए थे, कनान साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी मुझे बताइए, सबसे पहला सवाल मैं थोड़ा चेंज करती हूँ कि ब्रेक के बाद हम वापस आएँ, थोड़ा सा मूड को भी चेंज करते हैं। कनान मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आजकल का ये कि हमजा शहबाज हल्फ कब उठाएंगे, क्योंकि तारीख पे तारीख दी जा रही है, वो हल्फ नहीं उठा पा रहे। तो इसका बताओ, आखिर मुझे एक डेट बता दें, वो कब हल्फ उठाएंगे सितारों के हवाले से। देखिए, लास्ट डेज में भी आपने यही क्वेश्चन किया था और हमने डिस्कस किया था, जो प्लैनेटरी पोजीशन या न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक, तो मैंने आपको यही रिप्लाई किया था कि यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, और अभी ये चीज़ें मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कोई ख़ास क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही इस हवाले से। तो पोलिटिकली जो है ये चीज़ें काफ़ी लिंगर ऑन होती मुझे नज़र आ रही हैं, अभी इतनी आसानी से ये चीज़ें जो है इसका सलूशन नहीं आएगा, बल्कि ये प्रॉब्लम्स दूसरे लेवल तक भी जाएंगी, यानी ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं इनके भी आपस में कुछ इख्तलाफात होंगे, और तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बड़े लेवल पे चेंजेस लेके आएगी पॉलिटिकली। अच्छा, यानी कि ईद के बाद आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली चेंजेस लेके आएगी कुछ बड़ी। वैसे बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अभी 25 अप्रैल जो गुजरी है, 25 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का जो है बर्थडे गुजरी है, जिसे हम कहते थे पार्टी की बुनियाद रखी थी, 25 अप्रैल को बुनियाद रखी गई थी जी, 25 अप्रैल को रखी थी। तो जब बर्थडे गुजरी है तहरीक इंसाफ की, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है प्लैनेटरी पोजिशन वाइज। तो ये जो टाइम पीरियड चेंज हुआ है, लकी टाइम स्टार्ट हुआ है तहरीक इंसाफ का, तो ये डेफिनेटली उनको कमबैक का मौका देगा। चलें, अच्छी बात है, लकी टाइम शुरू हो गया है, सही। अच्छा, मुझे कनान ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि 3 महीने वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाएंगे और कुछ शायद आवाम के लिए भी रिलीफ लेके आएंगे, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि वाकई उनका दावा सितारों के हवाले से कुछ काम कर पाएगा, या सब ये बातें धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए, 2022 के आगाज में मुझसे ये सवाल जब किया गया था, तो मैंने कहा था कि छोटा सा रिलीफ मार्च 2022 में नजर आ रहा है, उसके बाद महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी। मार्च में छोटा सा एक रिलीफ था, पेट्रोल भी कम हुआ और दूसरी चीजों में भी थोड़ी सी कमी आई, तो वो तो चला गया। अभी से ऑनवर्ड अगर मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि अगस्त 2022 तक तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल्कि अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं, और एक इक्लिप्स भी आ रहा है, उसको भी अगर मैं मद्देनजर रखूं, तो महंगाई जो है वो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही, स्पेशली खाने पीने की चीजें बेसिक, जिसमें गंदम हो गई, दालें हो गई, इन चीजों को देख, तो इस हवाले से महंगाई मुझे काफी। आपने गंदम की बात की, तो मैं गंदम से ही सवाल करूँ, गंदम का बहरान भी दिखने में आ रहा है कि गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो गया, और सुनने में आ रहा है कि पिछले दफा भी हमने देखा था पिछली हुकूमत में कि गंदम का बहरान सामने आया था, इस दफा भी आपको कुछ लग रहा है इस तरह के मामलात नजर आ रहे होते हुए? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है क्लिप्स के बाद, वो बेसिक खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज की बन रही है, जिसमें सबसे पहली चीज़ गंदम होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्टेज होगी और प्रॉब्लम आएगी। सही, यानी कि आपको हालात काफ़ी टफ लग रहे हैं आगे अगस्त 2022 तक लेके, राइट? अच्छा जी, तो ये बताएंगे तो, जी बोलिए। मैं इस पे ऐड करता चलूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, इस प्लैनेटरी पोजीशन को देखता हूँ तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये वाला खित्ता जो है इफेक्ट होता नजर आ रहा है, तो वहाँ पर भी, उन कंट्रीज में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सही, मैं यही क्योंकि पूछना चाहती थी कि वर्ल्ड वाइड दिखने में आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कनान आपका, थैंक यू सो मच, और आप बताया सितारों के हवाले से जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, प्लैनेटरी पोजीशंस जो बन रही हैं, उस हवाले से आपको गाइड कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आगे आने वाली चीज़ों से किस तरह से बचा जाए। गंदम के बहरान की उन्होंने बहुत बड़ी जिक्र किया, तलहा उन्होंने कहा कि शॉर्टेज हो सकती है। ऑफ कोर्स, जो पिछले एक हफ्ते से खबरें अखबार में लग रही हैं, अगर कोई अखबार भी पढ़ता हो रोजाना, तो वो भी ये बता सकता है कि गंदम की शॉर्टेज होने वाली है, इसकी बहुत बेसिक सी रीजन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।